समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अब्बास जी, आपका स्वागत है। फाइनली आज आपकी पार्टी ने अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया, क्या सिर्फ एक ही रैली करके आपको लगता है कि आप बीजेपी को जवाब दे पाएंगे? बाकी स्टार प्रचारक कहाँ हैं? देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी के नेता नेतृत्व और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पे जनता के बीच में था, जनता के बीच में हम काम कर रहे थे। अखिलेश यादव जी पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के दौरे कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, जनता से मिल रहे थे, लेकिन वो इनको दिखाई नहीं देगा। आज एक बड़ी रैली हुई और मुझे लगता है जो 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो रहा है उसमें से जो 4 भारतीय जनता पार्टी के पास है उनमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 8 की 8 सीटें जीतने जा रही है। और हमने एक ऐसी सीट से शुरुआत की जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। निश्चित रूप से गुटबाजी जो इनकी यहाँ है वो चरम पर है। इनका जो योगी राज का जो, और आपके यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना? नहीं, मैं आपको याद दिलाऊं, आपको मैं फर्क क्या, क्या सड़क पर आप लोगों ने तमाशे हुए? नहीं, मैं फर्क समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी में निश्चित रूप से टिकट बदले, लेकिन जिनका टिकट बदला वो आज भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को ईमानदारी से चुनाव लड़ा रहे हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि विधायक नेता रामपुर में कितनी ईमानदारी से बिल्कुल लड़ा रहे हैं, बिल्कुल लड़ा रहे और जीतेंगे। अरे मौलाना परेशान, उनकी मदद कराओ जाके, बड़े मार्जिन से जीतेंगे रामपुर भी और सारी जो 8 सीटें। लेकिन इनके यहाँ क्या हो रहा है, आपने अभी जिक्र किया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो दूसरे नेता को गुंडा बता रहे, अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, ये इनके नेता खुलासा कर रहे हैं। हम लोग को तो जनता को तो पहले से ही पता था, लेकिन ये आधिकारिक जो है इसकी पुष्टि हो गई भारतीय अच्छा, जनता पार्टी के नेता। और भी दल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहती है, इसलिए वो इंडिया गठबंधन बोलने में क्या प्रॉब्लम। देखिए, चुनाव लड़ ज्यादा फायदा और इसका वो है जो जनता चाहती है, तो उसको उनकी भावना करके नहीं। मायावती के क्या करना है उनका? नहीं, मायावती जी बड़ी नेता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये कब पता चला बड़ी नेता है? जो नतीजे होंगे हाँ। वो नतीजे बताएंगे कि आप ये कहना बंद करोगे कि इनकी बी टीम है? नहीं, हम तो किसी को बी टीम सी टीम नहीं कहते। अरे क्या बात, हम तो ये मानते हैं, हम तो ये मानते, आज मैंने सच्चाई बताई दर्शकों को, तब से आप बदले हुए। हमारा तो ये मानना है कि देखिए, जो भी जनता के बीच में जाए चुनाव लड़े, जो जनता के बीच में रहेगा वो वोट पाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी से क्यों जनता का मन उबा हुआ है? आपको लगता नहीं कि आपने प्रचार में थोड़ा विलंब कर दिया? बहुत अधिक विलंब किया। हम लोग बूथ स्तर पे काम कर रहे थे। आप जिसको कंफ्यूजन समझ रहे हैं वो हमारी स्ट्रेटजी है, आप जिसको कंफ्यूजन समझ रहे थे वो हमारी रणनीति रही है। मैंने कंफ्यूजन वर्ड नहीं बोला, आप ही खुद कह रहे हैं। और नहीं, बिल्कुल मैं साफ कहूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने से। अभी ये विदेश नीति की बात कर रहे थे, क्या अरे सर विदेश नीति पे हम क्या चर्चा करें, दुश्मन बना दिया इन्होंने। मैं मनीष सिंघवी जी को आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश में।